शराब पीने के बाद क्यों निकलती है इंग्लिश? क्या है इसके पीछे की वजह? रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग शराब पीते हैं। शराब पीना तो ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग शराब पीने के बाद इंग्लिश बोलने लगते हैं, यानी एक अन्य भाषा में कह सकते हैं कि शराब पीने के बाद इंसान इंग्लिश झाड़ने लग जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, इसके पीछे एक खास वजह भी है। दरअसल अगर आपको आज तक लगता था कि शराब पीने के बाद इंग्लिश बोलने की आदत यूं ही है, तो आपको बता दें कि आप गलत हैं। शराब के नशे में इंसान इंग्लिश बोलने की एक खास वजह है। इस वजह का खुलासा एक्सपर्ट द्वारा किए गए एक रिसर्च में सामने आया है। साइंस मैगजीन जर्नल ऑफ साइकोफार्माकोलॉजी में इसकी खास वजह बताई गई है। ये वजह कई शराबियों के मेंटल कंडीशन को जांचने के बाद सामने आई है। आपको बता दें कि अंग्रेजी या अन्य कोई भी विदेशी भाषा बोलने के लिए बौद्धिक क्षमता और आत्मविश्वास का होना जरूरी है। शराब को लेकर भी तो आम जानकारी यही है कि ये इंसानों की बौद्धिक क्षमता बिगाड़ देती है और इसका असर बुरा है। लेकिन इस नई स्टडी में परिणाम उलट हैं। नई स्टडी कहती है कि शराब बौद्धिक क्षमता मजबूत करती है और ये आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ा देती है। लिहाजा जिस काम को करने में इंसान बिना शराब के हिचकिचाता है, शराब पीने के बाद उसी काम को बेधड़क करता है। ऐसा नहीं है कि शराब सिर्फ इंग्लिश बोलने में मदद करती है। दरअसल इंसान अपनी मदर टंग बोलते बोलते उसमें काफी कंफर्टेबल हो जाता है। उसे अगर दूसरी भाषा आती है तो झिझक से वो उसे बोलता नहीं है। जैसा कि हमने पहले बताया कि शराब इंसान के अंदर की झिझक खत्म कर देती है, ऐसे में इंसान को जो दूसरी भाषा आती है वो उसे धड़ल्ले से बोलने लग जाता है। दरअसल शोधकर्ताओं ने नीदरलैंड की डच यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहे कुछ वैसे लोगों पर इसका परीक्षण किया जिनकी मातृभाषा जर्मन थी। उन लोगों को कम मात्रा में शराब पिलाई गई। ये सभी लोग जर्मन बोलते थे और हाल ही में डच लैंग्वेज सीखना शुरू किया था। शराब पीने के बाद उनके साथ कुछ डच लोगों को भी बिठाया गया था जिन्होंने शराब नहीं पी थी, और फिर शुरू हुआ दोनों तरफ से लोगों के बीच संवाद। शोधकर्ताओं ने दोनों तरफ के लोगों के बीच हो रहे इस संवाद को रिकॉर्ड कर लिया। पाया गया कि जब संवाद हुआ तो जर्मन स्पीकर जो डच सीख रहे थे, डच लोगों के साथ फर्राटेदार डच में बात करने लगे। बाद में जब इन लोगों को खुद डच बोलने पर रेटिंग देने को कहा गया तो सभी अपनी लैंग्वेज स्किल पर खुद ही हैरान थे। उनकी डच बोलने की क्षमता पहले से काफी बढ़ गई थी, यानी उनके साथ ठीक वैसा ही हुआ जैसे भारत में हिंदी बोलने वाले लोग शराब पीने के बाद फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।